आइए दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय शैलेंद्र कुमार में स्वागत है। ठीक है, प्री रिटर्न में हमने 25 क्वेश्चन किया था। ठीक है, लास्ट में जो किया था 25, ठीक है, 26 भी 25 के जैसा ही है, उसको खुद करना। बस थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं ये दोनों, 25 और 26। ठीक है, पर 26 है 25 के जैसा ही। ठीक है, तो यदि करके देखोगे तो हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको खुद करना 26 को। आज हम करेंगे 27 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 27 में गिवन है ये, x इक्वल टू 2 कोस अल्फा इंटू कोस हाइपरबोलिक बीटा एंड y इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। और हमें सिद्ध करना, ठीक है, sec अल्फा प्लस आई बीटा प्लस sec अल्फा माइनस आई बीटा इक्वल टू 4x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बी पार्ट में हमें सिद्ध करना sec अल्फा प्लस आई बीटा माइनस sec अल्फा माइनस आई बीटा इक्वल टू 4i y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सिद्ध करना। ठीक है, चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा, तो तुम इसमें ये निकालना, x प्लस आई वाई निकालना, x माइनस आई वाई निकालना। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जा रहा है इनसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये करिए, एक्स प्लस आई वाई निकालिए, एक्स माइनस आई वाई निकालिए, मल्टीप्लाई करके उस तरीके से फिर बाकी भी बन जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से करते हैं इसको, x प्लस आई वाई निकालते हैं पहले। तो देखिए x प्लस आई वाई, तो लिख देंगे इसमें क्या, x प्लस आई वाई इक्वल टू 2 कोस अल्फा इंटू कोस हाइपरबोलिक बीटा प्लस आई इंटू 2 साइन अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। 2 तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, हाइपरबोलिक को सर्कुलर में बदल लेना, तो देखो कितना आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, कोस अल्फा ये आ जाएगा कोस आई बीटा हो जाएगा, प्लस 2 तो बाहर आ गया, और कितना आई साइन अल्फा, इसको सर्कुलर में बदलिए तो 1 अपॉन आई हो जाएगा साइन आई बीटा हो जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का फार्मूला बन गया ये, 2 कोस अल्फा माइनस आई बीटा का फॉर्मूला बन गया। किसकी वैल्यू निकाल ली हमने, एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, उन्होंने दे रखा सेक अल्फा माइनस आई बीटा और सेक अल्फा प्लस आई बीटा, तो सेक में लिख लीजिए इसको, तो ये आ जाएगा यहाँ से x प्लस आई वाई इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन sec हो जाएगा ये, sec अल्फा माइनस आई बीटा, sec इधर जाएगा ये अपॉन में चला जाएगा, तो कितना sec अल्फा माइनस आई बीटा इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस आई वाई। इक्वेशन मान लीजिए इसको फर्स्ट, सिमिलरली यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली किसकी वैल्यू निकाल देंगे, sec अल्फा प्लस आई बीटा, यानी कि इसका कॉन्जुगेट, यानी कि 2 अपॉन इसका कॉन्जुगेट कितना जाएगा, x माइनस आई वाई, ये इक्वेशन आ जाएगी सेकेंड। ठीक है, चलिए अब देखिए, इन दोनों को जोड़ रखा, sec अल्फा प्लस आई बीटा प्लस sec अल्फा माइनस आई बीटा, एक बार घटा रखा, तो एक बार जोड़ देंगे इन इक्वेशन को, एक बार घटा देंगे तो यही आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या आता है, दोनों इक्वेशन को जोड़ लीजिए, कौन कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड जोड़ दीजिए। चलिए पहले से लिख लेना, कितना sec अल्फा प्लस आई बीटा प्लस sec अल्फा माइनस आई बीटा इक्वल टू, ठीक है ना, अभी जोड़ दीजिए, यानी कि कितना 2 अपॉन x माइनस आई वाई प्लस 2 अपॉन x प्लस आई वाई। ठीक है भाई, इस साइड तो यही लाना, उधर सोल्व करना, तो उधर सोल्व कर देते हैं, एलसीएम ले लीजिए, कितना x माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई, 2 कॉमन ले लेना,
ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई, आई वाई से आई वाई कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 4x हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या बच जाएगा ये x स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा फिर ये y स्क्वायर, तो किसकी वैल्यू निकल गई ये sec अल्फा प्लस आई बीटा प्लस sec अल्फा माइनस आई बीटा, ठीक है, तो यही सिद्ध करना था हमें, हैंस प्रूव ए पार्ट हो गया, बी पार्ट खुद करना, कैसे करेंगे, घटा देना दोनों इक्वेशन को भाई, इसमें से ये घटाना, प्लस वाले में से ये घटाना, यानी कि सेकंड माइनस फर्स्ट कर देना, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो आ जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट करते हैं इसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यानी कि 28 क्वेश्चन क्या दिया, इफ़ अल्फा बीटा बी द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी प्रूव दैट, सिद्ध करना हमें अल्फा इंटू ई की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू ई की पावर बीटा एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू रूट थ्री साइन रूट थ्री बाई टू इंटू एक्स प्लस कोस रूट थ्री बाई टू इंटू एक्स, ये सिद्ध करना, ठीक है। तो अल्फा बीटा क्या दे रखे हमें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये तुमने ऐसा पढ़ा होगा कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू कितना पढ़ा तुमने, 1 पढ़ा, ठीक है। तो यदि हम इसको सोल्व करें भाई, ओमेगा क्यूब इसको इधर ले आएंगे माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से तीन वैल्यू आएंगी ओमेगा की, भाई कितना डिग्री की क्वेश्चन है ओमेगा की, 3 डिग्री की, तो कितनी वैल्यू आएंगी, 3 डिग्री आएंगी, वो तीन वैल्यू आएंगी, किसकी वैल्यू आएंगी, ओमेगा की तीन वैल्यू आएंगी, एक तो 1 ही आएगी, 2 और आएंगी, तो 2 और कैसे आएंगी, ज़रा देखिए इसका फॉर्मूला खोलिए, ओमेगा माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ से तो ओमेगा 1 आ जाएगा, तो इसे ले लीजिए भाई, यहाँ से तो रियल आएगा, उस इन्हें दे रखे अल्फा बीटा जो है इमेजिनरी क्यूब रूट हैं, तो इमेजिनरी वैल्यू इनसे आएगी, हमने ले लिया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लिया, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल लो, सीधे सारी से निकाल लेंगे, माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस के 4ac 4 आ जाएगा, अपॉन कितना 2a यानी कि 2 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3i बाई 2, तो जो दो रूट आए ये कैसे हैं, इमेजिनरी हैं ये, ठीक है। और अल्फा बीटा क्या दे रखे इन्होंने, क्यूब, ठीक है, अल्फा बीटा बी द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो अल्फा की दो वैल्यू, अल्फा की इनमें से एक वैल्यू अल्फा की ले लेंगे, दो जो वैल्यू आई है, और एक किसकी लेंगे, बीटा की वैल्यू लेंगे, तो लिख देंगे सॉल्यूशन इसका, सिंस अल्फा बीटा बी द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन तब अल्फा आएगा, चलिए प्लस ले लीजिए, और ये आ जाएगा माइनस की 1/2 प्लस रूट 3/2 इंटू आई, एक बार माइनस ले लेंगे तो बीटा कितना आ जाएगा, माइनस के 1/2 माइनस रूट 3/2 इंटू आई, तो ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये रफ वर्क था ये, ठीक है। चलिए इसे तुम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, माइनस 1/2 को मान लीजिए ए एंड रूट 3/2 को मान लीजिए बी, बाद में वापस ये वैल्यू रख देंगे इनकी, ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू बताना कितना आ जाएगा, ए प्लस बी आई या आई बी कह दीजिए, ठीक है, बीटा आ जाएगा यहाँ से ए माइनस आई बी, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई और बीटा की वैल्यू आ गई, ये सिद्ध करना हमें, तो जो सिद्ध करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है,
अल्फा अल्फा इंटू ए की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू ए की पावर बीटा एक्स। अल्फा की वैल्यू रख दीजिए कितनी, ए प्लस आई बी इंटू ए की पावर अल्फा की वैल्यू रख दीजिए ए प्लस आई बी इंटू एक्स, बीटा की वैल्यू रख दीजिए ठीक है ये रही ए माइनस आई बी इंटू ए की पावर बीटा की वैल्यू रख दीजिए ए माइनस आई बी इंटू एक्स ठीक है। और इसमें सारे में कॉमन बोलना भाई ए की पावर ए एक्स यहाँ भी आएगा, ए की पावर ए एक्स यहाँ भी आएगा, उसको कॉमन ले लीजिए तो कॉमन कितना आ जाएगा, ए की पावर ए एक्स कॉमन आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, ये ए प्लस आई बी तो है ये, और इंटू में कितना बच जाएगा, ए की पावर आई इंटू बी एक्स प्लस ए माइनस आई बी ठीक है। ए की पावर ए एक्स तो बाहर आ गया तो ए की पावर क्या बच जाएगा, माइनस के आई इंटू बी एक्स बच जाएगा ठीक है। तो देखना जो सिद्ध करना एक्स सब वैल्यू रखेंगे बाद में ठीक है, ए की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, माइनस वन बाई टू एक्स बाई टू चलो आ जाएगा। इसमें आयलर थ्योरम खोल लीजिए, इसकी आयलर थ्योरम खोल लीजिए ठीक है। तो इस साइड कर देता हूँ मैं, तो इससे आगे देखिए, इससे आगे क्या आ जाएगा, तो ध्यान से देखिए इधर, हाँ तो भार तो कितना था, ए की पावर ए एक्स इंटू इक्वल टू है ये ए प्लस आई बी एक्स को वैसे रहने दीजिए। इसमें आइलर थ्योरम खोलना, कोस बी एक्स प्लस आई साइन बी एक्स, आइलर थ्योरम से कोस बी एक्स प्लस आई साइन बी एक्स ठीक है, प्लस प्लस यहाँ लिख दिया मैंने ए माइनस आई बी, ए माइनस आई बी, इसमें आइलर थ्योरम खोल लीजिए, बीच में माइनस आ जाएगा कोस बी एक्स माइनस आई साइन बी एक्स। चलिए आगे देखिए, वही ए की पावर कितना ए एक्स, मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी, तो करना ए कोस बी एक्स प्लस आई ए साइन बी एक्स इसकी करिए प्लस आई बी एक्स ठीक है, एक्स नहीं होगा इसमें, कितना था ये आई बी था तो ये एक्स नहीं है ठीक है, हाँ तो एक्स नहीं आएगा, ये किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई बी की, तो आई बी कोस कोस बी एक्स आगे कर लीजिए, तो करिए आगे माइनस की, इसमें करेंगे आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा माइनस की बी साइन बी एक्स इसकी करिए प्लस ए कोस बी एक्स माइनस के आई ए साइन बी एक्स इसकी करना माइनस के आई बी ठीक है, आई बी की कर रहे हैं ना, तो कर दीजिए आई बी कोस बी एक्स, बी है ए बी है ठीक है, लास्ट में कर दीजिए आई के आई में ठीक है, आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस फिर माइनस आ जाएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा ठीक है, माइनस आ जाएगा ये बी साइन बी एक्स ठीक है, माइनस बी साइन बी एक्स आ जाएगा। तो देखिए कुछ कट जाएगा, तो इसमें कट जाएगा तुम्हारा आई ए साइन बी एक्स, आई ए साइन बी एक्स एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा ठीक है। तो भार तो कितना, ए की पावर ए एक्स, ए कोस बी एक्स, ए कोस बी एक्स टू ए
टू ए कोस बी एक्स, ये दोनों ये भी दो हो जाएंगे, माइनस के टू बी साइन बी एक्स। चलिए अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, किसकी वैल्यू रख दीजिए, ए की और पी की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो रखना ए की वैल्यू ये रही माइनस के वन बाई टू, तो ए की पावर माइनस के एक्स बाई टू ही हो जाएगा, ये माइनस के वन बाई टू रखेंगे, टू से टू कट जाएगा, माइनस के ही बचेगा कोस। ठीक है, यहाँ रख दीजिए। बी की वैल्यू देखना, ये रही रूट थ्री बाई टू इंटू एक्स माइनस के टू, भी कट जाएगा जब बी का मान रखेंगे रूट, बस यहाँ बचेगा रूट थ्री, रूट थ्री साइन रूट थ्री बाई टू इंटू एक्स, माइनस कॉमन ले लेंगे और देखिए ये आ जाएगा क्या, रूट थ्री साइन इसको पहले लिख रखा प्लस कोस रूट थ्री, माइनस कॉमन लेके यही आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी जगह कम है तो खुद कर लेना इसको। ठीक है, बस क्या करना, माइनस कॉमन लेना। ठीक है, और इसको पहले लिखना, तो ये राइट हैंड साइड आ जाएगी, हैंस रूट, तो कर लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। चलिए 29 करेंगे, 29 में सो दैट हमें ये सिद्ध करना। ठीक है भाई, तुम्हें यदि पीछे के क्वेश्चन में या एग्जाम्पल में किसी में भी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई चीज़ तुम्हें समझ नहीं आती, तो मेरे इस नंबर पर तुम व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, 9690224488। ठीक है, यदि किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, या कोई चीज़ तुम्हें नहीं आती समझ, तो मैसेज कर सकते हो इस नंबर पर और पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 29 करते हैं। ठीक है, तो 29 में लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज ही करना, कॉल मत करना। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड है साइन अल्फा प्लस आई बीटा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम भी ले लीजिए इसमें। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और एलसीएम भी ले लिया इसमें, या चलो लिख लो पहले इसको, साइन अल्फा प्लस आई बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस आई बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस आई बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस आई बीटा। हमने कौन साइड ले ली, ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली, और ये हमें सिद्ध करना। चलिए यही सिद्ध कर देंगे, इसमें एलसीएम ले लीजिए, कितना साइन अल्फा माइनस आई बीटा, ठीक है, इनटू साइन अल्फा प्लस आई बीटा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ये, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आई बीटा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस आई बीटा। ठीक है, इसमें टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर लीजिए, नीचे फॉर्मूला भी बन जाएगा ये। ठीक है, तो टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आई बीटा प्लस टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस आई बीटा अपॉन टू, चलो प्लस वाला पहले लिख लो, टू साइन अल्फा प्लस आई बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस आई बीटा। ठीक है, कोस टू अल्फा मैं दे रखा है ये, तो इसको ठीक है कोस में बना लीजिए इसको भाई, कोस टू थीटा का तुमने फार्मूला पढ़ा, कोस टू थीटा का क्या फार्मूला पढ़ा तुमने, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर आ जाएगा,
तो 1 माइनस कोस 2 थीटा के बराबर आ जाएगा। तो ये देखो कितना आ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा उस वाले फॉर्मूले से, 1 माइनस कोस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 अल्फा प्लस 2 आई बीटा या आई टू बीटा ऐसे इसमें कर लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, 2 अल्फा माइनस आई टू बीटा। इस फॉर्म से कराई भाई, 2 साइंस स्क्वायर थीटा कितना आएगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा आएगा, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये भी लिख दिया। चलिए अब नीचे देखिए, नीचे तुम फार्मूला बना लेना है इसमें भाई। एक फार्मूला तुमने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कितना होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये फार्मूला बनाना तुम इसमें भी, जो अपॉन में है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी किसके बराबर आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। तो अपॉन में ये वाला फार्मूला बन अप्लाई करना भाई, 2 तो है ही ये, ठीक है, तो स्क्वायर में आ जाएगा ये। तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर आई बीटा, ठीक है। इसको हाइपरबोलिक में चेंज कर लीजिए, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। फॉर्मूला याद रखना ही, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये फार्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है, तो इस फार्मूले को याद रखिए। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करा, नीचे अप्लाई कराई हमने, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए इन दोनों में, ठीक है। तो ये बच जाएगा कितना, कोस 2 अल्फा प्लस आई 2 बीटा, और माइनस कॉमन आगे तो प्लस नहीं बचेगा, ये कोस 2 अल्फा माइनस आई 2 बीटा, ठीक है, अपॉन में देख लीजिए, अपॉन में 2 तो भी बाहर है, ये साइन स्क्वायर अल्फा ठीक बन रहा है, तो ठीक है, कितना साइन स्क्वायर अल्फा। इसको हाइपरबोलिक में चेंज कर लीजिए, मैं ये नहीं पढ़ा था मैंने, साइन आई एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, स्क्वायर है तो आई का स्क्वायर आएगा, ठीक है, आई का स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और साइन हाइपरबोलिक बीटा बचेगा। साइन हाइपरबोलिक बीटा का फॉर्मूला कर लेंगे तो ये भी बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए बन जाएगा ये, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, अच्छा स्क्वायर है ना, तो क्या आएगा, ये स्क्वायर आएगा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ऊपर फार्मूला खोलना, कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला खोलना। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, कोस सी प्लस कोस डी, याद रखना तुम्हें ये, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। ये फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे कोस वाले में, तो चलिए अप्लाई कर दीजिए। तो अप्लाई करिए, 2 कोस इसे इसमें जोड़ेंगे, आई बीटा कट जाएगा, 2 अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा अपॉन 2, तो 4 अल्फा अपॉन 2 यानी कि क्या बचेगा, 2 अल्फा इंटू कोस इसमें से घटाएंगे, 2 अल्फा से 2 अल्फा कट जाएगा, आई टू बीटा 4, ठीक है, ये हो जाएगा आई 4 बीटा कह सकते हैं, अपॉन 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बीटा अपॉन, चलिए फार्मूला तुम याद रखना, ये 2 की मल्टीप्लाई कर ली, 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 यहाँ भी आएगा, इसका फॉर्मूला खोल लेना,
ए की पावर बीटा माइनस ए की पावर माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन टू, टू का स्क्वायर यानी कि फोर, ठीक है, कट जाएगा ये दो बार। और लाना कितना है, ये लाना, चलो ये ही आ जाएगा, ठीक है, इसको हाइपरबोलिक में चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, टू माइनस टू कोस टू अल्फा इंटू कोस हाइपरबोलिक टू बीटा हो जाएगा, ये टू एलसीएम ले लीजिए सारे में, टू ऊपर चला जाएगा इंटू टू, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं इस टू को, जो टू एलसीएम लिया वो यहाँ आ गया, ठीक है, इसके इंटू में या मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, इन्होंने ऐसे लिख रखा, चलो हमने भी ऐसे लिख दिया, ये टू इंटू टू किस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये, फोर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ई की पावर बीटा माइनस ई की पावर माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये ही आ जाएगा। इसमें कोस हाइपरबोलिक टू बीटा का फॉर्मूला खोलेंगे, e की पावर टू बीटा प्लस e की पावर माइनस टू बीटा अपॉन टू, उस टू से ये टू कट जाएगा, सेम यही आ जाएगा, ठीक है, तो उसको पूरा करिए, ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, यानी कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में ए प्लस बी ई की पावर आई थीटा की पावर एन को ए प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना, ठीक है, तो इस चैप्टर का भी और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, चलिए इस चैप्टर को पूरा कर देते हैं आज, ठीक है, तो उसको किस फॉर्म में लिखना, ए प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना, तो ई की पावर आई थीटा को खोल लेना पहले इसमें, इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, तो सारे की पावर कितनी आ जाएगी, सारे की पावर कितनी दे रखी, एन दे रखी, इसमें रियल अलग कर लीजिए, रियल को यानी कि एक साथ लिख लीजिए, ए प्लस बी कोस थीटा अलग लिख लिया, बी के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस आई साइन बी भी आएगा, आई बी इंटू साइन थीटा, और सारे की पावर कितनी, एन, ठीक है, तो अभी तो हमने ए प्लस आई बी की फॉर्म में अंदर वाला लिखा, अभी पावर क्या दे रखी है एन, तो अभी ए प्लस आई बी की फॉर्म में नहीं आया ये, ठीक है, तो हमें किस में लाना है, ए प्लस आई बी की फॉर्म में लाना, तो ए प्लस आई बी की फॉर्म में लाने के लिए इसको मान लीजिए तुम, लेट ए प्लस बी कोस थीटा को मान लीजिए आर कोस फाई, एंड इसको मान लीजिए बी साइन थीटा को आर साइन फाई, इसको ऐसा क्यों माना, क्योंकि भाई कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन की फॉर्म में बन जाएगा ये, तो उससे ये डिमाइवर थ्योरम बन जाएगी, ठीक है, डिमाइवर थ्योरम या आयलर थ्योरम दोनों से कर सकते हैं, तो ठीक है, इसलिए हमने इसको आर कोस फाई और इसे क्या मान लिया, आर साइन फाई मान लिया। चलिए आगे देखिए, तो इसको रख दीजिए, ठीक है, तो इससे देखो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, या इनकी वैल्यू भी निकाल लेना, आर की और फाई की वैल्यू भी निकाल लेना, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको, सेकेंड ऊपर ही मान लीजिए इसको, चलिए आर के वैल्यू यदि निकालनी हो तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ, ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, स्क्वायर करके जोड़ देंगे इनको, आर स्क्वायर को माना जाएगा कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव वन, तो क्या बच जाएगा ये आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर, इसे जोड़ना, बी स्क्वायर कॉमन आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा,
तो ये आ गया यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू ए बी इंटू कोस थीटा इक्वल टू कितना आर स्क्वायर। तो आर भी निकल जाएगा, रूट कहाँ जाएगा ये, तो आर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट में आ जाएगा सारा ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा, ठीक है। फाइव भी निकाल लेना, फाइव डिवाइड करके आ जाएगा सेकंड अपॉन फाइव, वो सेकंड अपॉन फर्स्ट, ठीक है। हम इसलिए निकाल रहे हैं, ये हमने अपने पास से नए वेरिएबल, ठीक है, नई वैल्यूज आई आर की और फाइव की, तो हमें बताना पड़ेगा कि आर और फाइव है क्या। तो हमने आर बता दिया, आर ये है, अब हमें फाइव बताना, तो यहाँ से फाइव निकाल लेंगे, फाइव डिवाइड कर लिया सेकंड अपॉन फर्स्ट टेन फाइव, और इनवर्स में आकर फाइव निकल जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि टेन आर क्या है इसके अंदर और फाइव क्या है। तो डिवाइड कर लीजिए भाई यहाँ से, तो कितना आ जाएगा ये बी साइन थीटा, चलो नीचे को लिख दूँ यहाँ, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू, इससे से डिवाइड करेंगे आर सार कट जाएगा, साइन फाइव अपॉन कोस फाइव टेन फाइव टेन फाइव, तो फाइव इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। चलिए फ्रॉम इक्वेशन ए से बता दीजिए, अब फ्रॉम इक्वेशन ए, तो ए से बताना इसकी जगह क्या रखा हमने, आर कोस फाई, आर कोस फाई प्लस आई, इसकी जगह रखा आर साइन फाई की पावर कितनी एन, कॉमन आ जाएगा आर, तो पावर एन है तो आर की पावर एन बाहर आएगा, कोस फाई प्लस आई साइन फाई की पावर एन, डिमाइवर फॉर्म लगा दीजिए, तो कितना बन जाएगा ये आर की पावर एन कोस एन फाई प्लस आई साइन एन फाई, तो किस फॉर्म में आ गया ये ए प्लस आई बी की फॉर्म में आ गया ये, ठीक है, ये रियल पार्ट है और वो इमेजिनरी पार्ट है, तो इसमें हमें बताना पड़ेगा वेयर आर कितना, ठीक है, वहाँ से लिख देंगे आर इतना एंड फाइव बताना पड़ेगा, फाइव ये रहा लिख देंगे इसको, ठीक है, मैंने तो टिक लगा दी है इस तरीके से, जगह थोड़ी कम है तो मैं मालूम ही है आर वहाँ से लिखना है, फाइव यहाँ से लिखना, तो किस फॉर्म में आ गया ये ए प्लस आई बी की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसे तुम नोट करिए, आज ये चैप्टर पूरा हुआ, तो इसके पहले जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उन्हें करना और एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आए तो बताना, ठीक है। तो इस नंबर पर तुम मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो 9690224488, कोई भी यदि प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में या एग्ज़ाम्पल में तो मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट टाइम पर करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।